भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली के पूर्व मेयर मेरे सहयोगी आरती मेहरा जी, आईटी प्रकोष्ठ के संयोजक अरविंद गुप्ता जी, महाराष्ट्र के संयोजक विनीत गोयंका जी और मंचासीन हमारे प्रमुख अतिथि और विभिन्न राज्यों से आए मेयर, उपमहापौर, नगर सेवक और शायद कुछ MLAs भी होंगे, पता नहीं, कल तो थे, मंत्री भी थे, और सभी कार्यकर्तागण। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आपके बीच मैं आया हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस प्रकोष्ठ से जुड़े सभी मित्रों को, सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ, अरविंद जी और विनीत जी। और चूंकि ये केवल आईटी सेल का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले 2-2.5 साल में इतने नए नए प्रकोष्ठों को स्थापित किया है, उनमें एक गुड गवर्नेंस सेल भी है जो पहले नहीं था, तो उस गुड गवर्नेंस सेल के भी कार्यकर्ता सहयोगी यहाँ हैं, शिखा जी हैं, कल विनय जी थे, विनय जी तो बहुत कुछ देखते हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इस सभागृह में इतने अच्छे लोग आए हैं, इतने समर्पित कार्यकर्ता आए हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, कईयों का परिचय कल ही हुआ, लेकिन मेरे पीछे बैठे हैं संजीव जी, जिनका परिचय उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ, और उनकी लगन, उनकी ऊर्जा, मैं केवल एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि यहां भी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो बहुत ही एक डिटर्मिनेशन के साथ इस ये नया प्रकोष्ठ है यहां काम कर रहे हैं। अभी अभी सूरजकुंड में पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई, और हरियाणा की जो हरियाणा का जो प्रकोष्ठ है, वहां बैठे हुए हमारे साथी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, द एंटायर नेशनल मीडिया वॉज मोस्ट इम्प्रेस्ड। और उसके साथ और एक नया इनिशिएटिव है, युवा टीवी। युवा टीवी के कोई है यहां? देखिए, सब युवा कार्यकर्ता, द ओनली पार्टी दैट हैज लॉन्च्ड अ टेलीविजन चैनल। और यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये जो आज कल और आज का ये सम्मेलन है, ये युवा टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। ऑल दिस शोज दैट आवर पार्टी इज अ वेरी इनोवेटिव पार्टी। वी आर ऑल द टाइम डूइंग न्यू थिंग्स विथ द सेम ओल्ड गोल। देखिए, आईटी नया है, ई गवर्नेंस नया है, लेकिन जो उसके साथ जो गुड गवर्नेंस है वो नया नहीं है, वो तो एक पुराना लक्ष्य है हमारा, सुशासन, सुराज। मैं इस पार्टी में 1996
छियानवे में आया और 97 में मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी इन 1997 यू नो ही अंडरटुक अ नेशन वाइड यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, क्योंकि 1997 में भारत की स्वतंत्रता को 50 साल पूरे हुए थे। तो फॉर 68 डेज ही अंडरटुक अ यात्रा थ्रू आउट द कंट्री टू विजिट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट प्लेस एसोसिएटेड विथ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, टू द प्लेसेस ईदर द बर्थ प्लेस or any other place associated with the great heroes and martyrs of India's freedom movement. और इस पूरी यात्रा में अडवाणी जी एक ही बात कहते थे कि इन सभी शहीदों के बलिदान के कारण, त्याग के कारण, नेताओं के, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उनकी तपस्या के कारण भारत को स्वराज तो मिला, लेकिन स्वराज अभी तक सुराज में परिवर्तित नहीं हुआ है। ये 1997 की बात है। तो सुराज की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही है, गुड गवर्नेंस की बात। और अडवाणी जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम स्वराज को सुराज में बदलेंगे। तो अब स्वराज को सुराज में बदलने के लिए हमारे पास एक नया टूल, नई टेक्नोलॉजी, नया साधन उपलब्ध हुआ है, वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब उसके अनेक उपयोग हैं, यूजेस हैं, उनमें ई गवर्नेंस एक है। जैसे मैंने कहा भाइयों और बहनों कि गुड गवर्नेंस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, और भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में देर इज नो टर्म दैट बेटर कैप्चर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस देन रामराज्य। व्हाट इज रामराज्य? रामराज्य इज सुराज, आदर्श राज। देखिए कितना पुराना है। और रामचंद्र जी के समय कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन एक समर्पण भाव कि मैं राजा हूं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं प्रजा की सेवा करूं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ई गवर्नेंस की बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं, इन सबका उपयोग होना चाहिए। वो सोशल मीडिया हो या GIS हो, और भी कुछ हो, लेकिन हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए एक सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स अ गुड गवर्नेंस माइंडसेट। यदि गुड गवर्नेंस का माइंडसेट नहीं रहा तो यह टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होने वाला है। अभी अभी आरती जी बता रही थी कि जब दिल्ली में उन्होंने कुछ सुराज के दिशा में दे अंडरटुक सम रिफॉर्म्स, द रेजिस्टेंस केम फ्रॉम द एम्प्लॉइज देमसेल्व्स, क्योंकि दे आर नॉट अट्यून्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। नॉट जस्ट एम्प्लॉइज, मैं गौर से सुन रहा था, आरती जी ने कहा कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से भी विरोध हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं कि वो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हाथ से चला जाए, वो जो पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है कि मैं करूं, जो कांग्रेस सरकार कहती है ना केंद्र की, अरे हम राज्यों को इतना पैसा दिया, ये पैसा तो कांग्रेस की नहीं है, पूरे देश का है। तो उसी का कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं में भी होता है कि लोगों को दिखना चाहिए कि मैं पैसा दे रहा हूं। तो जब तक ये गुड गवर्नेंस की मानसिकता नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे बहुत एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात की
बहुत प्रशंसा होती है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत नए नए काम हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव नरेंद्र भाई ने जो किया वह कर्मचारी से कर्मयोगी बने, जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनकी मानसिकता कर्मयोगी की बननी चाहिए। तो इसलिए प्रतिवर्ष 1 महीना उनका यही अभियान रहता है। वो कहते हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर साधारण से साधारण जो कर्मचारी है वो लोगों के बीच जाए, मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं। और एक प्रयोग है, एक प्रयास है कि कर्मचारी उनमें सेवा का भाव होना चाहिए। ये जो हम गुड गवर्नेंस कह रहे हैं वो गुड गवर्नेंस की वो संकल्प, इस जो इतना बड़ा गवर्नेंस का एस्टैब्लिशमेंट है सब में होना चाहिए, और सबसे पहले ऊपर के जो लोग हैं उनमें होना चाहिए। और इसलिए भाइयों और बहनों, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग यहाँ अभी अभी अपना राजनीतिक जीवन यात्रा शुरू की है, कुछ लोग मेयर बने हैं, उपमेयर हैं, कॉरपोरेटर्स हैं। वी ऑल शुड, अभी मुझे बताया गया कि इस सम्मेलन के बाद कोई एक अपील या कुछ रेजोल्यूशन बनने वाला है, दैट रेजोल्यूशन शुड इंक्लूड अ कमिटमेंट टू मेक अवर माइंडसेट द माइंडसेट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की एक गूंज शुरू होनी चाहिए, जो शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में। महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे, द बेस्ट गवर्नमेंट इज द वन दैट गवर्न्स द लीस्ट, द बेस्ट गवर्नमेंट इज वन दैट गवर्न्स द लीस्ट। यानी वह सरकार सबसे अच्छा है जो सबसे कम गवर्न करता है। तो इसमें शायद लोगों में एक अंतर विरोध का आभास होगा, बट देर इज प्रोफाउंड ट्रूथ फ्रेंड्स, बिकॉज वॉट इट मीन्स इज दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच डिसेंट्रलाइजेस पावर, विच डिसेंट्रलाइजेस अथॉरिटी, एंड विच क्रिएट्स अ कल्चर वेयर मोर एंड मोर पीपल, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिट्स सेल्फ गवर्न। ये सेल्फ गवर्नेंस की जो एक मानसिकता है, जब वो समाज में फैलेगी तो इस प्रकार गवर्नेंस की, ऊपर से गवर्नेंस की आवश्यकता कम होगी। सेल्फ गवर्नेंस, ईच इंडिविजुअल, इफ एवरी इंडिविजुअल फॉलोज द लॉ देन वी डोंट नीड अ ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट फॉर लॉ एनफोर्समेंट। और इसकी भी शुरुआत जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं से होनी चाहिए। वी शुड सेट द एग्जाम्पल कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम इस पूरी इस शासन यंत्रणा में, शासन प्रक्रिया में ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे। जब ये जो कांग्रेस ने इतना बड़ा एक एस्टैब्लिशमेंट तैयार किया है विच वर्क्स फॉर इटसेल्फ, इट डजंट वर्क फॉर द पीपल, तो हम ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे, ऐसे गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाएंगे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे, और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे, जिससे एक तरफ कर्मचारी, मंत्री, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन सब में सेवा का भाव होगा, लेकिन साथ ही साथ नागरिकों में, अमंग सिटीजन्स, अ ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर दे बिगिन टू सेल्फ गवर्न। तो इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे माइंड को रीसेट करना पड़ेगा। अभी तक जो भारत का
शासन हुआ है इसको बदलने के लिए यू नो वी मस्ट एस्टैब्लिश न्यू एग्जाम्पल्स. इट इज ओनली थ्रू एग्जाम्पल्स दैट पीपल लर्न. इसलिए मुझे बहुत हम सबको बहुत खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ एग्जाम्पल सेट कर रही है. वो गुजरात में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, बेंगलोर और कर्नाटक में हो. और मुझे एक मैं सुन रहा था, एक बहुत अच्छा किसी ने विचार रखा कि एवरी स्मॉल इनिशिएटिव मैटर्स. डोंट लुक फॉर सम बिग पॉलिसी एंड अ बिग प्रोग्राम एंड अ बिग स्कीम. व्हाट एवर यू कैन इंप्लीमेंट एट योर ओन लेवल, डू इट. लर्न फ्रॉम अदर्स. सो स्मॉल इनिशिएटिव्स, इफ वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल इनिशिएटिव्स, दैट विल क्रिएट दिस इमेज ऑफ द बीजेपी एज अ पार्टी दैट इज कमिटेड टू गुड गवर्नेंस. और इसलिए मैं समझता हूं कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भाषण हुआ वो बहुत ही प्रेरणादायी भाषण हुआ. यू नो ही एम्फसाइज्ड अगेन एंड अगेन दैट आवर कंसर्न शुड बी फॉर द कॉमन मैन. मेक श्योर दैट ही इज नॉट ट्रबल्ड. मेक श्योर दैट ही गोज विथ गुडविल फॉर यू एंड नॉट बाय कर्सिंग यू. इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए भाइयों बहनों, वी शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ फीलिंग फॉर द कॉमन मैन. जो अंतिम व्यक्ति है उसके प्रति हमारे मन में, हमारे दिल में यदि संवेदना नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सो एज पॉलिटिकल वर्कर्स, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. जब मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रवेश करता हूं, वहां दीनदयाल जी का एक बहुत ही प्रेरक वाक्य है अंत्योदय के बारे में, जो इस समाज के प्रगति के कतार में सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके दुख के निवारण के लिए हम राजनीति में आए हैं. वी आर नॉट इन टू पॉलिटिक्स फॉर सेल्फ गेन. वी आर नॉट इन टू पॉलिटिक्स टू एंजॉय पावर. वी आर इन पॉलिटिक्स टू रिमूव द सफरिंग एंड द पेन ऑफ द लास्ट मैन, अंत्योदय. सो I was actually to speak the next session, which is on Antyodaya oriented e-governance. I won't be here for the next session. लेकिन इस पूरे कल और आज का जो सम्मेलन है इसको देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह इनिशिएटिव ली है. I don't think any other party is doing as much for good governance as we are doing, and the common people will certainly take note of it. Iska prasar hona chahiye, prachar hona chahiye, aur sabse pehle hame ek dusre se best practices ko samajhna chahiye. Aur isliye aaj ka yeh jo conference hai, kal ka jo tha, it has given all of you and all of us an opportunity to learn from each other. यह तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना बाकी है. गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा और अन्य प्रकोष्ठ, अन्य मोर्चाओं द्वारा. लेकिन मैं समझता हूं कि इन सभी प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी में एक संकल्प बहुत प्रबल होते जा रहा है कि हम आने वाले चुनाव में हम पूरी ताकत लगाकर ये जो भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे. वो चुनाव 2014 में हो या 2013 में हो, इस चुनाव में यूपीए का अंत होगा, कांग्रेस का अंत होगा और अंत हम करेंगे. यह हमारा पहला संकल्प होना चाहिए. लेकिन साथ ही साथ यह केवल पार्टी के परिवर्तन से सुराज नहीं आने वाला है. हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि जब हमें जनादेश मिलेगा, हम वी विल सेट न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड गवर्नेंस, विच वी डिड टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द सिक्स इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट
अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन दोबारा जब हमें जनादेश मिलेगा हम और अच्छा करके दिखाएंगे। और इसके कुछ नए नए प्रयोग विभिन्न राज्यों में हो रहे हैं, विभिन्न शहरों में हो रहे हैं, विभिन्न पंचायतों में हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिलेगा केंद्र में सरकार बनाने का, हम ऐसा सरकार बनाएंगे जो सुशासन गुड गवर्नेंस के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो इस संकल्प के साथ हम बम्बई से जाएं, यही आप सबसे अपील है। और मुझे अरविंद जी ने और अन्य साथियों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।